नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल ग्रिल ओपन एयर में। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, अभी हम बनाने जा रहे हैं पनीर बटर मसाला। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है दोस्तों, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। चलिए दोस्तों इसमें मैं पनीर को फ्राई कर लेता हूँ। पहले पनीर को दोस्तों इस तरीके से फ्राई कर लेने पर पनीर जो है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और उसका बाहर का क्रस्ट जो है वो थोड़ा सा कैरमलाइज हो जाता है और पनीर अंदर से सॉफ्ट हो जाती है, जो कि और इस तरीके से बटर पे पनीर को फ्राई करने पे पनीर में एक बहुत अच्छा सा बटरी टेस्ट भी आता है, मलाई वाला टेस्ट आता है। पनीर इससे बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। चलिए दोस्तों पहले हमने पनीर को इतने में फ्राई कर लेना है। दोस्तों अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों हमारा पनीर फ्राई हो चुका है, अब बारी है कि हम पनीर के लिए मसाले को तल लें। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया का पत्ता को लेकर के एक पेस्ट बनाया है जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। दोस्तों मैं हरा धनिया और हरी मिर्च को यूज़ करता हूँ अपने मसालों में, इससे एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। दोस्तों आप भी कभी अगर बनाएं तो इस तरीके से मसाले को बनाएं, ये एक आपके खाने के अंदर एक बहुत ही अच्छा लाइवनेस, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। इस मसाले को थोड़ी देर भून लेने के बाद दोस्तों हमने इसमें प्याज ऐड करना है। तो प्याज को भी हमने जो है दोस्तों वो एक पेस्ट के फॉर्म में बना लिया है, बट हमने जो प्याज को है पूरा पेस्ट नहीं बनाया है, हमने प्याज को लगभग 90% तक पेस्ट बनाया है और प्याज हमारा जो है वो खुरदरा पेस्ट के रूप में है। तो देखिए हमने यहाँ पे प्याज को ऐड कर देना है दोस्तों इस मसाले में। चलिए अब इसको हम भून लेते हैं। दोस्तों हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि प्याज भी अभी अपना पानी छोड़ने वाला है, तो हमने इसको प्याज के साथ थोड़ी देर भून लेना है। नमक हमने थोड़ी देर बाद डालना है दोस्तों, जब प्याज जो है अपना पानी सूखने लगेगा, प्याज का पानी, तो हमने उसमें उसके बाद नमक डालना है। थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखने के बाद दोस्तों अब बारी है इसमें मसाले ऐड करने की। मैंने इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च लिया है और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी ले लेते हैं, आधे चम्मच के अराउंड मैंने इसमें हल्दी ली है। और चलिए दोस्तों इसे हम मिक्स कर लेते हैं। प्याज में दोस्तों अगर हमने पानी ऐड कर दिया तो प्याज जो है वो जल्दी से पकता नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पानी को ऐड नहीं किया है। हम बिना पानी ऐड किए प्याज यहाँ पे जो है प्याज की पानी को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसे थोड़ी देर 4 से 5 मिनट तक हमने इसको, लगभग 5 मिनट तक हमने इसको जो है इस तरीके से पकाया है ताकि हमारे प्याज का पानी सूख जाए। अब बारी है दोस्तों टमाटर ऐड कर लेने की। आप चाहे तो दोस्तों टमाटर का पेस्ट बना करके भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे टमाटर को काट के डाल रहा हूँ। दोस्तों टमाटर का पेस्ट बनाकर ऐड करने पे होता क्या है कि टमाटर अपना पानी छोड़ देता है, तो प्याज को उसमें पकने में फिर और ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने यहाँ टमाटर का पेस्ट नहीं, टमाटर को काट के डालना सही समझा है। तो दोस्तों अब जैसे मैंने टमाटर को डाल दिया है तो अब बारी है इसके साथ नमक को ऐड कर देने की। दोस्तों नमक हमने इसमें जो है आधा चम्मच ही लिया है क्योंकि हमारा पनीर जो है वो पनीर वैसे भी नमक को सोखता नहीं है, तो हमें नमक सिर्फ मसाले भर के लिए चाहिए, पनीर के लिए हमें नमक की ज़रूरत है नहीं। तो नमक हमने यहाँ पे ले लिया है और टमाटर को मसाले के साथ मैं इस तरीके से पका रहा हूँ। थोड़ी देर में 4 से 5 मिनट इसको इस तरीके से चलाने के बाद हमारा टमाटर जो है वो गल जाएगा। उसके बाद हमने इसमें धीरे धीरे करके इसे हमें पकाते रहना है अभी, और हमें इसे तब तक पकाते रहना जब हमारा, जब तक हमारा मसाला जो है वो ऑयल को ना छोड़ दे। दोस्तों हमने इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला लिया है। अब ये मसाले क्योंकि पाउडर के फॉर्म में हैं और हमारे मसाले के अंदर भी ज़्यादा पानी नहीं है, तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि हमारे मसाले, ये जो पाउडर के फॉर्म में हमने जो मसाले लिए हैं वो जले ना, और हमें इसी तरीके से अपने मसालों को और थोड़ी कम से कम 3 से 4 मिनट तक और पका लेना है। दोस्तों
देखिए दोस्तों, अब थोड़ी देर चला लेने के बाद हमारे मसालों ने जो है वो तेल को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। हमारे मसाले से तेल छूटना स्टार्ट हो चुका है। अब समय है कि मैं अपने मसाले को ढक करके थोड़ी देर ऐसे पकाऊं। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल ही छूटना स्टार्ट हो चुका है। तो अब दोस्तों, हमारा मसाला अभी भी अच्छे तरीके से पका नहीं है, क्योंकि जो प्याज होता है दोस्तों, अगर प्याज को आपने पेस्ट बना के डाला है तो उसको पकने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो हमें इसे थोड़ी देर और, कम से कम 2 से 3 बार और ढकते हुए 2-2, 3-3 मिनट तक पकाते रहना है। तो मैंने इसको 1 से 2 बार इस तरीके से ढक के पकाया है। तो क्योंकि ये पूरी तरीके से पक चुका है, इसका पानी निकल चुका है, इसमें से ऑयल छूट चुका है, तो अब ये पूरी तरीके से पक चुका है और हमारे मसाले जो हैं अब लगभग पक के तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा बटर ऐड कर देते हैं। मैंने बटर को बाद में ऐड किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे मसाले के अंदर जो बटर है उसका टेस्ट आए। बटर को अगर आप पहले ऐड कर देते दोस्तों, तो बटर जो है वो ऑयल का फॉर्म ले लेता है और बटर में फिर वो ऑयल वाला टेस्ट आने लग जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बटर का जो रॉ टेस्ट है वो मेरे मसाले के साथ बना रहे, मेरे सब्ज़ी के साथ बना रहे, इसलिए मैंने बटर को बाद में ऐड किया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ी देर चला लेता हूँ। बटर को हम पिघल जाने देते हैं। उसके बाद हमने इसमें पनीर जो हमने अपने रखे हैं भून करके, उनको इसमें डाल देना है। तो हमने जो रोस्ट करके पनीर रखा था, हमने उसको इसमें डाल दिया है। अब दोस्तों, पनीर के साथ इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ। दोस्तों, हमें यहाँ पे इसे ज़्यादा देर तक मिक्स नहीं करना है, थोड़ी ही देर मिक्स करना है, जितने में जितने देर में हमारा जो पनीर है वो फिर से गर्म हो करके सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड किया है। लगभग मैंने इसमें 1/2 कप के अराउंड पानी ऐड किया है। और उसके बाद हमारे देखिए, पनीर बटर मसाला हमारा जो है ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। मैंने इसमें धनिया की पत्ती थोड़ी सी और डाली है ऊपर से टेस्ट इन्हांस करने के लिए। और दोस्तों, एक बार हमें इसमें से थोड़ा सा जो हमारी कंसिस्टेंसी है वो हमें मिल जाए, जिस कंसिस्टेंसी में हम बनाना चाहते हैं, उसके बाद हमें इसे गैस को बंद कर देना है। अभी हमारा जो पनीर बटर मसाला है दोस्तों, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। बारिया इसमें से थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जब पनीर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, बारिया इसमें दोस्तों मिल्क को ऐड कर देने की। अब दोस्तों, दूध को आप अगर गर्म गर्म में ऐड करते हो तो हमारा दूध फटने लगता है। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा जो है टेम्परेचर कम होने दिया है अपने सब्जी का। और उसके बाद मैं इसमें दूध को धीरे धीरे करके ऐड कर रहा हूँ। लगभग मैंने यहाँ पे 50 से 60 ml मिल्क को इसके अपने सब्जी के साथ ऐड किया है। अब ये जो है हमारी सब्जी में एक मलाई का टेस्ट भी देगा और हमारी सब्जी की कलर को भी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा चटक ऑरेंज बना देगा। देखिए दोस्तों, हमारी जो है सब्जी है, हमारा जो पनीर बटर मसाला है वो बनके तैयार हो चुका है बिल्कुल। अब बारी है इसको प्लेट कर लेने की। देखिए दोस्तों, हमारा पनीर बटर मसाला कितना खूबसूरत बना है और कितना खूबसूरत हमारा पनीर, जिसको हमने थोड़ा सा पका लिया था, कितना अच्छा कलर आया है उसके अंदर। चलिए दोस्तों, तो पनीर बटर मसाला को हम आज खाने वाले हैं पूरी के साथ। तो मैंने इसके साथ थोड़ी सी पूरी का भी प्रिपरेशन किया है। दोस्तों, आप आगे देखते रहिए, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पूरियाँ भी बना ली हैं, ताकि हमारा जो आज का डिनर है वो पूरे अच्छे से तैयार हो जाए। दोस्तों, हमें लगातार आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स हमारे दूसरे वीडियोस में मिल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप अगर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे दूसरे वीडियोस को भी देखिए और दूसरे डिशेस को भी एंजॉय कीजिए। ऐसे ही नए नए डिशेस के साथ, नई नई रेसिपी के साथ मैं सुजीत आता रहूँगा आपके सामने। तब तक के लिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिए और विशेष करके बेजुबान जानवरों का प्लीज़ ख्याल रखिए। और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे ग्रिल ओपन एयर में।